गया। अभी आपने अपने अंदर अपने दादाजी का नाम सोचना है और ये मनी बता देगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, अगर जादू चल जाए, कभी कभी फेल भी हो जाता है। आज वो दिन आया। और बताता हूँ, हम लोग बैठ गए कुछ गपियाने और हमने कहा कि सुरेश भाई के घर से ना व्यू बहुत कमाल है, तो हमने कहा कि यहाँ बैठ के अब गपियाया जाए। अच्छा, लस्सी भी आ गई है वैसे। अगर आप नोटिस करें ना करें, कोई लस्सी पी रहे हम लोग पंजाबी। एक हम लोग एक किस्सा अभी बोल रहे थे, तो मैं उसमें पूछूं कैसे हैं आप, खुश हैं क्या? हम हैप्पी हैप्पी हम हैप्पी। सर अभी बता रहे थे जो मजेदार बात है, कुछ लोग होते हैं कि कॉमेडी कैसे क्रिएट होती है वैसे विलन, लेकिन मेरे घर पे आए हैं तो एक कॉमेडी मुझे इतना हंसाया ना, मैं सोचता था कि अभी वो विलन वाली बातें होंगी, ये लेकिन इतना मजा आया, और इनकी कॉमेडी के साथ साथ एक मैसेज होता है, मजा आ गया सर, बहुत कुछ सीखने में। तो मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। क्योंकि इसलिए और इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि हम एक्टर्स के बारे में लोगों की क्या क्या धारणा होती है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं फटाफट बताता हूँ, जलंधर में मेरा जन्म हुआ, छोटे होते हम अमृतसर में आ गए, अमृतसर में आके हमने पापा से अपने गोल्ड का काम सीखा, लेकिन काम करते करते भी मेरा गाने का शौक था, मुझे लगा यार कि मुझे गाना चाहिए, फिर ऑर्केस्ट्रा में गाने लगा, छोटे छोटे शो करने लगा, ऐसे करते 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 मतलब एक चस्का पड़ गया कि तालियों का जो चस्का है ना वो पड़ गया फिर इस लाइन में। वेरी इंटरेस्टिंग, ये बात तो तय है ना कि जहाँ पर भी आप अब तक पहुँचे हैं वैसा होना नहीं था, मतलब प्रोफेशन कहीं और ही जाना था लेकिन आपने ये चूज़ किया। कभी ऐसा हुआ, फील हुआ कि लोगों ने कहा होगा अरे क्या कर रहा है? हाँ, शुरू में ये होता था, काम कर जो तुम्हें आता है, गोल्ड का तेरे को सिखाया ना पापा ने, वही कर, कुछ नहीं होना तेरा, और यार इसका कुछ नहीं होना, जब हो गया तो वही मैं कहता था। वो सबसे कहते ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज हमारे अंदर है ही नहीं। क्या बात है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वो रोग हम में नहीं है। हाँ, वो है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या लेना देना लोगों से। लोग हमको सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं कि तुम इस तरह करो तब तुम सक्सेसफुल होगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सब अपने रास्ते खुद चुनते हैं। क्या बात, और हम सबके रास्ते अनूठे हैं। यही बात है, तो आज इस अनूठे रास्ते से निकल के आप जो शायद सोने का काम करते, आज आप एक अभिनेता हैं, कॉमेडियन हैं, और आप लोग में से बहुत लोग जानते ही हैं, ही इज एन अमेजिंग सिंगर। वक्त अच्छा आता है ना तो हमारी बुरी चीजें भी कहते हैं क्या कर रहे हैं यार बंदा, वो कितना अच्छा चुप रहता है, जब बुरा वक्त आता है कितना बोलता है। मैं इनफैक्ट सुरेश भाई के परफॉर्मेंसेस का तो कायल रहा ही हूँ, लेकिन मैं इनके करीब आया ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन में मिला कैसे मैं इनको? मिला मैं थैंक्स टू यूट्यूब। सुरेश भाई अपना एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम अभी टेंटेटिवली है शायद सुदेश लहरी चैनल शो, कुछ ऐसा ऐसा ही नाम आने वाला है, जहां पर ये अपना शो खड़ा करेंगे। आज हम लोग वही बात कर रहे थे। सुरेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच मनी फॉर हैविंग शॉट इट फॉर मी, शिखा थैंक यू, शिखा थैंक यू, साक्षी थैंक यू, भाभी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सब लोग वहीं पर हैं, है ना, पर इस समय हम लोग लस्सी की चीयर्स करते हैं। लस्सी लस्सी चीयर्स। ढेर सारा क्रीम डाला और ये फैट फ्री है। अरे ये घर का लगता नहीं है, वैसे भी फ्री है, जितनी मर्जी पियो। अभी जादू होने वाला है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, अभी होगा जादू, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, अगर जादू चल जाए, कभी कभी फेल भी हो जाता है लेकिन कोशिश करेंगे। तो अभी आशीष जी मुझे पांच में से, जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी आप मुझे नंबर बताएंगे, बोलेंगे आप, ठीक है, या मुझे इशारे से बताएंगे। ओके। और मनी उधर होगा, मनी नहीं इधर होगा, दरवाजा बंद कर ले, मनी आके बताएगा कि आपने कितने नंबर बताए हैं, ठीक है, बंद कर, पांच में से कोई भी नंबर इशारे से बताइए। तो दोस्तों अब मनी बताएगा कि इन्होंने कितने नंबर बताए हैं, कोई नहीं बोलेगा। जहां तक मुझे लगता है सर ने 2 बताया। भाई इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। नहीं 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 नहीं, देखो वो वही वाली बात है कि कहता छोटू राम कितना बड़ा था, कितना कहता छोटू राम तो तोता था, मैं कहा दूसरा हाथ कहाँ लगा रही, तो वही वो बता रहा था कि कितने बोले, उसने बोला रुको रुको उंगली उठाने दो, तो
अभी दूसरा ये जानबूझ के किया ना, सुनो हां जानबूझ के और किया। अभी आपने अपने अंदर हां अपने दादाजी का नाम सोचना है और ये मनी बता देगा, सोचो। तो पानी का ग्लास नीचे कर आप सोच लो ना, वो पानी पीते होंगे, पानी पीते बस ठीक है, कुछ ना कुछ है हो गया ना, इशारा होता है। अच्छा अभी अभी आपके घर पे पापा ने मुझे एक दिन बोला था तेरी नेशनल लेवल पे बेइज्जती करूंगा, वो आज वो दिन आया। अभी और बताता हूँ सर, बहुत बहुत। अच्छा देखो अभी अभी मुँह उधर कर, पानी उधर मुँह कर दिया, ठीक है। इधर आके बता मैंने कितनी बार अपने हाथ घुमाए, कितनी बार बताओ। आ जा फिर। तो ये चक्कर है कि ये कहता है कि पापा दो बार सही जवाब, सही जवाब। मुझे लगता है अपने हाथ ही घुमाया। ये कहता था कि पापा हमारी वजह से वीडियो अच्छी होती है, हम जो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ऐसा कर दूंगा कि तो ये असली जादूगर, ये बड़े अपनी वीडियो में जादू दिखाता है ना, कि ये वो सब झूठ होते हैं, कुछ नहीं होता, तुक्का चलता है। भेद खुल गया आज। वो हमने मजाक में किया था, अब मैं सच्ची में। अब सीरियस थी। हां चलो सीरियस हो जाओ। वैसे मैंने मजाक किया था, चलो मुझे लगा गलत बता। चलो नहीं मैं करेक्ट कर रहा हूं। तो अभी हो गया, अभी आपको सीरियसली बताते हैं, आप कितनी बार भी करेंगे, और ये वाला मेरे को ना सोचना कि मैं कोई इशारा कर रहा हूं, मैं इधर बैठ जाता हूं। हां चलो बैठ जाओ। हां जी रेडी आ जाओ, आ जाओ। कैमरा मेरी तरफ करो। अब मनी बताएगा और मेरा मुंह इधर है। कुछ जादू ऐसे होते हैं वो जो पास्ट बताते हैं। मैंने भविष्य बताया था पिछली वीडियो में, मैंने पहले बताया था आने वाले टाइम में इन्होंने दो बताना है, वो मुझे नजर आ गया था कि इन्होंने आने वाले टाइम में दो बताना है। सर दो था या नहीं? सही जवाब। कि अगर मैं इसकी बेइज्जती कराना चाहूं तो बेइज्जती करा सकता हूं, इज्जत बनाना चाहूं बाप बाप ही होता है। बिल्कुल देखा, शुक्र है इज्जत बन गई मेरे को, फील होता रहना था, नहीं तो मैं जाते सर वो सीन काट देना, सर वो सीन काट देना। और आपको ये बताऊं, इसको सिर्फ दो ही आता है, 10 बार पूछ लो कभी ना कभी तो दो बोलेंगे। बहुत जरूरी है कड़ी चावल, कड़ी चावल बिल्कुल पेंडिंग है। आलू जीरा वही बोला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जा रहे हो, मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया, गप्पी आए और वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी आते रहे, ये नहीं कि बस मतलब बड़ी मुश्किल से आए हैं और थोड़ी देर में। कितना मजा है, कितने क्या 2-3 घंटे बैठे हम लोग, गपिया हम लोग, पता नहीं चला सर इतना मजा है, मजा है। लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा। थैंक यू सर। हंसी खुशी जीना, हंसी खुशी बांटना, हंसी खुशी में विश्वास रखना, जी हाँ ये मुझे महसूस हुआ सुदेश भाई की पूरी फैमिली के साथ समय बिताकर। अमेजिंग था कि जब छोटी छोटी चीजों पर वो हंसते थे एक साथ, गाते थे एक साथ, और हाँ खाते भी थे एक साथ। उम्मीद करता हूं कि आपने आज सुदेश भाई और उनकी प्यारी फैमिली को एक नए रंग में देखा। आप जा रहे हो, मजा आया, मजा आया। Amazing, amazing time I had. यकीन करिए, मैं जब उनको छोड़ के जा रहा था, मेरे दिल का एक टुकड़ा उनके पास छोड़ गया था और उनकी हंसी अपने साथ ले जा रहा था। मजा आ गया। अब घर की तरफ निकलता हूँ, वहीं से निकल जाएंगे, लोकेशन पर फोन आएगा, we'll go down to Filmistan। याद रखिए, मैं दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ और आप मेरे दोस्त हैं। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।